राम राम दोस्तों, ये है दिल्ली का सबसे बड़ा निगम बोध घाट, जो मीडिया कई दिनों से पेश कर रही है दिल्ली में कोरोना महामारी के रूप में फैल गया है, लाशों के ढेर लगे हैं, शमशान घाट भरे हुए हैं। तो देख सकते हैं ये दिल्ली का निगम बोध घाट है, सबसे बड़ा निगम बोध घाट है, और यहाँ देख सकते हैं आप सारे कुंडे खाली पड़े हैं, और रूटीन में जो डेड बॉडियाँ आती हैं सिर्फ उतनी है, ऐसा कोई खौफनाक मंजर नहीं है जिसे मीडिया पेश कर रहा है, दिल्ली वालों को डरा रहा है। अब मीडिया की भाषा में लाशों के ढेर लग गए, अस्पताल फुल भर गए, और डेड बॉडियाँ जलाने के लिए जगह नहीं है। तो देख लीजिए कुंडे खाली पड़े हैं, आराम से आप देख सकते हैं, ये देखिए, दोस्तों ये तो सिर्फ हल्का सा नज़ारा, मैं आज आपको पूरा निगम बोध घाट दिखाऊंगा। ये मीडिया जो सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के एसी चैम्बरों में बैठ के न्यूज तैयार करते हैं, अंजना ओम कश्यप, रूबी का लियाकत यहाँ शायद ही कभी आती होंगी। देखिए बिल्कुल खाली पड़े हैं, देखिए बिल्कुल खाली पड़े हैं, देखिए बिल्कुल खाली है इस समय निगम बोध घाट। अब बताइए कोई इक्का दुक्का डेड बॉडी जो रोजाना आती रहती है, गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब ज़्यादा सर्दी होती है, तो ज़रूर थोड़ा बहुत भरता है। अब बताइए निगम बोध घाट कहाँ लाशों के ढेर लग गए, कहाँ सड़कों पर डेड बॉडियाँ रखी हैं, देखिए बिल्कुल, देखिए आराम से, देखिए देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल खाली पड़े, आराम से घूमो। वैसे ये हमारा जो निगम बोध घाट है बहुत अच्छा, एक रमणीय स्थल भी है, इसकी साज सजावट बहुत अच्छी की गई है, लेकिन ये सब शीला दीक्षित करवा गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद तो सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है। ये तीसरा घाट है, इसी का तीसरा हिस्सा है, उसमें भी ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं है, 1 2 3 4 5 पांच चिताएं जल रही हैं और 4 डेड बॉडियां आई है, तो देख लीजिए। और मैं भी आपको सीएनजी की तरफ भी ले जाता हूं, ऐसा कोई खास भयानक नजारा नहीं है, जो मतलब भयानकता के रूप में दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लोगों में पैनिक फैलाया जा रहा है। आराम से लोग खड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, ऐसा कोई भयानक नजारा नहीं है इस समय, डेड बॉडी आ रही है जो रूटीन में रोजाना आती है, कई बार इससे ज्यादा तो वैसे भी आ जाती है। ये देखिए, वो देखिए वहाँ VVIP फूकने के लिए आते हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं, और उसको देख कर लग भी नहीं रहा कि अभी 2-4 दिन में भी कोई VIP मरा हो, बिल्कुल खाली पड़ा है वो VVIP का घाट भी, ये देख सकते हैं आप। ये एम्बुलेंसों के नाम पे जरूर डरा देते हैं कि साहब कोरोना से मर गया, कोरोना से मर गया, बीमारी कुछ भी हो लिखेंगे कोरोना। ये देखिए आप जो नॉर्मल रूटीन का नज़ारा है वो ही है, ना कोई महामारी से मर रहा, ना कोई आपदा से मर रहा, सिर्फ दिल्ली को बदनाम जरूर किया जा रहा है इन गुजराती चाचाओं के द्वारा, समझ गए ना, मोटा भाई की तो नीति है दिल्ली को इतना बदनाम कर दो कि दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ के अहमदाबाद चले जाएं। ये देख लीजिए पूरी शमशान घाट घूम घूम के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए ऐसी कोई चिता सड़क पर धरी नहीं दिख रही, बिल्कुल नहीं दिख रही, आप देख लीजिए ऐसी कोई महामारी नहीं, इससे ज़्यादा है तो जब गर्मी पड़ेगी जब वैसी आ जाएंगी डेड बॉडियाँ, आप देख लीजिए दोस्तों पूरी शमशान घाट घूम घूम के दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए बिल्कुल खाली पड़े हैं, ये देख लीजिए, अब बताइए खाली पड़े हैं, कहाँ दिखी सड़कों पे डेड बॉडियाँ, ये देख लीजिए, इसको देख कर तो लग नहीं रहा कि इसमें कोई 2-4 दिन में भी कोई संस्कार हुआ होगा, ये देखिए बिल्कुल खाली पड़ा है नज़ारा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों, अब की बार मीडिया का झूठ यदि आए
तो आप उस पर गौर ज़रूर फरमाएं। ठीक है दोस्तों, डरे नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोटा भाई की नीतियाँ हैं ये, दिल्ली को बदनाम कर दो। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम।